क्रिप्टो समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दो बड़ी खबरें अगले कुछ मिनटों में फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। पिछले 6 महीनों में मेटामास्क का यूसेज बढ़ा है बाय फैक्टर ऑफ 5। जैसे ही इस इथेरियम और डिफाई वॉलेट के अब है 5 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स डेस्कटॉप और मोबाइल पे। उनकी एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी डबल हो गई है पिछले महीने से, जब वो $1 बिलियन की थी और अब हो गई है $2 बिलियन की। डेवलपिंग कंट्रीज में मोबाइल ऐप की अवेलेबिलिटी ने हेल्प की है इस ग्रोथ में। कंसेंसस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी बिहाइंड मेटामास्क का मानना है कि मेटामास्क की इस ग्रोथ की वजह ग्लोबल साउथ में बढ़ता इंटरेस्ट है, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और वियतनाम लीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन। कंसेंसस सजेस्ट करता है कि उनकी ऐप पॉपुलर है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि काफी यूजर्स इन एरियाज में क्रिप्टो को ट्रस्ट करते हैं ओवर ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज, या फिर बैंकिंग सर्विसेज बिल्कुल एक्सेस नहीं कर पाते हैं। कंसेंसस ने ये भी कहा कि वो लोग मेटामास्क को एक सप्लीमेंट इनकम या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। सिर्फ ग्लोबल अडॉप्शन नहीं है जिससे मेटामास्क की ग्रोथ में हेल्प किया है, इसके अलावा मेटामास्क का नया स्वैप फीचर भी ट्रेडर्स द्वारा काफी ज्यादा यूज हो रहा है, जिससे वो बेस्ट रेट्स ढूंढते हैं अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बीच और चार्ज करते हैं एक सिग्निफिकेंट 0.875% सर्विस फी। कंसेंसस ने एनएफटी बूम को भी क्रेडिट दिया है, जिसने अट्रैक्ट किए हैं यूजर्स को टोकनाइज आर्टवर्क, गेम आइटम्स और कलेक्टेबल्स की ओर। कंसेंसस ने कहा कि एनएफटी ट्रांसफर सेकंड मोस्ट कॉमन यूज केस है मेटामास्क के लिए आफ्टर टोकन स्वैप्स। क्या आप करते हैं मेटामास्क यूज? अगर हाँ तो किस लिए? स्वैपिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए या फिर एनएफटी के लिए? अगर नहीं तो क्या कोई और वॉलेट है जो आपका है फेवरेट? लेट अस नो इन द कमेंट्स। पिछले कुछ हफ्तों में जब बिटकॉइन का प्राइस काफी वॉलेटाइल रहा, बिटकॉइन वेज ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है बीटीसी जमा करने में। सेंटीमेंट एक ब्लॉकचेन ट्रैकिंग और एनालिटिक्स फर्म के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक बड़े बिटकॉइन एड्रेसेस ने अप्रॉक्सिमेटली 90,000 बीटीसी ऐड किया है 5 अप्रैल से। पर ये बीटीसी वेल एड्रेसेस होते क्या है? वेल, सेंटीमेंट डिफाइन करता है कि बीटीसी वेल एड्रेसेस वो क्रिप्टो वॉलेट होते हैं जिनमें 10,000 से ज्यादा बिटकॉइन हो। उन्होंने मेंशन किया कि वे इसे स्टार्ट कर दिया है लार्ज अमाउंट पे बिटकॉइन रखना, स्पेशली बीटीसी के 14 अप्रैल के ऑल टाइम हाई के बाद से। इस रिसेंटली एक्यूमुलेटेड बिटकॉइन की वैल्यू है अराउंड $4.92 बिलियन। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने एक वॉलेटाइल अप्रैल देखा, जिसके साथ बीटीसी का प्राइस ने $64,000 को टच किया था ऑन 14 अप्रैल, बट फिर गिर गया टू अ लो ऑफ $47,000 ऑन 26 अप्रैल। वीडियो बनाने के टाइम पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है अराउंड $54,000 विद अ मार्केट कैप ऑफ मोर देन $1.02 ट्रिलियन। इस प्राइस वॉलेटिलिटी ने बिटकॉइन वेल्स के अननोन ट्रांजैक्शंस को भी बढ़ा दिया है। वेल अलर्ट ने बताया कि एक अननोन क्रिप्टो यूजर ने 7,175 बिटकॉइन वर्थ अप्रॉक्सिमेटली $392 मिलियन मूव किए हैं आज ही। बीटीसी वेल एक्टिविटी $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप के ऊपर सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म ग्लासडोर ने रिपोर्ट किया कि 1.9 मिलियन से ज्यादा का बिटकॉइन मूव हुआ है $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप को क्रॉस करते ही, जिसके बाद मूवमेंट भी काफी हुई है कुछ लार्ज बिटकॉइन एड्रेसेस में। वेल एड्रेसेस बिटकॉइन को बड़े अमाउंट में लीडिंग डिजिटल एक्सचेंजेस से क्रिप्टो वॉलेट्स में भी मूव कर रहे हैं। वेल अलर्ट ने रिसेंटली रिपोर्ट किया था 2000 बिटकॉइन की मूवमेंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस से क्रिप्टो वॉलेट ज़ैपो में। इस ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू है अराउंड $110 मिलियन। ऐसे लगता है कि बिटकॉइन बेस डिप्स को बाय करके कर रहे हैं होडल। क्या है आपके व्यूज ऑन दिस न्यूज? लेट अस नो इन द कमेंट्स। हम ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स लाते रहते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। इसे डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम कॉइन क्रंच इंडिया। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक्स मेंशन है। डू जॉइन द कम्युनिटी, जहां पे हम ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बात करते रहते हैं। टिल देन दिस इज मी #ng सिंह। अलविदा। जय ब्लॉकचेन।